हर चीज का मेरे से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसी जिंदगी साला, ऐसी जिंदगी क्यों दिए ऊपर वाले। हेलो वेलकम, नमस्कार, आप सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमरान अंसारी एंड वेलकम टू मैडम चैनल मैडी व्लॉग्स। आज की स्टोरी कुछ बहुत ही भयंकर है हमारे लिए और बहुत ही तकलीफ देह स्टोरी है मेरी, क्योंकि इन दिनों आज कल मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी से कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये चीज़ें भी मेरे साथ होनी चाहिए। पहला फ़ोन लिया तो ओके चल रहा था, मत मुझे बैटरी का इशू लग रहा था, इस वजह से मैंने भेज दिया। सेकेंड फ़ोन लिया, सेकेंड फ़ोन लेते ही मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया इसमें, और लेते ही कुछ टाइम मतलब एक महीना भी नहीं चला इसमें ग्रीन लाइन आ गया, और सैमसंग की तरफ से इतना गंदा रिस्पॉन्स कि मतलब उसका फ़ोन अब यूज़ करने का मन भी नहीं करता कि उस कंपनी का किसी को मैं सजेस्ट करूँ, किसी को मैं बोलूँ कि ले ले भाई। और अगर ये वीडियो मेरे उस वीडियो से पहले आ जाती है जो सैमसंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं कहूँगा कि आपको मैं डाल दूँगा वो वीडियो जब बाद में, तो वो भी इसमें मैं अटैच कर दूँगा बाद में, डालने के बाद में आप देख सकते हो। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना कि मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर चीज़ का मेरे से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसी ज़िंदगी साला, ऐसी ज़िंदगी क्यों दिए ऊपर वाले, जो इतनी परेशानी हो परेशानी। हाँ पैसा देते परेशानी देते तो समझ में आता, साला पैसा भी नहीं है और परेशानी भी दबा के, कुछ ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। क्या करें यार, जो भी है जैसा चल रहा है, परेशानियां हम हाईलाइट करेंगे तो परेशानियां ही नज़र आएंगी। खुशियां भी मेरी ज़िंदगी में बहुत है कि मैं अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ, पहले से ज़्यादा मैं हेल्दी रहने लगा हूँ, पहले से ज़्यादा मैं आपको फाइनेंशियली बेटर मानता हूँ। जितनी लाइफ आगे बढ़ रही है मैं उतना अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। और जो भी परेशानी आए, जो भी दिक्कत आए, झेलना तो है ही यार, झेलेंगे साला, क्या करें, ज़िंदगी मिली है तो परेशानी तो आएगी ही आएगी, सबके साथ ऐसा होता है, मैं ही इकलौता इस दुनिया में नहीं हूँ, ये सोच के मैं सब्र कर लेता हूँ और कहता हूँ चल भाई आगे बढ़। कि अगर यही रूट आप रोज़ देखते हो वीडियो में मतलब, भैया देखो मैं क्या है कि मैं ड्यूटी जाते वक्त मैं सोचता हूँ यार कुछ वीडियो बना लूँ, क्योंकि बाहर मैं ना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं रोज़ बाहर घूमूँ या मैं अभी मतलब बाहर घूमने जाऊँ। अभी मैं चाह रहा था, अभी मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, मेरे भाई का ऑपरेशन था छोटे वाले का, अभी मैं उस ऑपरेशन के चक्कर काट रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया उधर में। मैंने सोचा यार बस एक शॉर्ट बनाया है मैंने, वो मैं एडिट करके शायद अभी नहीं डाला हूँ, बट ये वीडियो से पहले मैं उसको डालूंगा शॉर्ट, तो वो शॉर्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना वो कि क्या प्रोसेसर है, कैसे हुआ, मैंने वो वीडियो में बताया है। वही सबके प्रॉब्लम्स है और वही सब मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा जब किसी के साथ रहता हूँ तो मैं वीडियो पर ध्यान नहीं देता, मैं सोचता हूँ जो मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करूँ और फटाफट से निकलूँ। कल भी मैं गया था अपने भाई के आँख के जाँच के लिए कि कैसा प्रोग्रेस हुआ है इतने टाइम ऑपरेशन होने के बाद, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक महीने बाद चश्मा बनेगा तो एक महीने बाद फिर जाना है, तो हो सकता है कि मैं एक महीने बाद जो जाऊँ तो मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट डाल दिया तो और कुछ डिटेल देनी हो तो मैं उस वीडियो बनाऊँ, बाकी नहीं तो नहीं बना सकता, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे वीडियो बनाने में, इस वजह से मैं बनाता नहीं हूँ फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो। सावन स्टार्ट हो गया है तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, इतना मौसम बढ़िया था उतने ही पहले दो दिन पहले रुलाया है इस गर्मी ने, पूरा पसीना रहता था मैं, इसी रुलाया है हमें। मौसम अच्छा हो रहा है, राइड करने वाला मौसम है, घूमने वाला मौसम है। अभी ज़िंदगी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप घूमो, कहती है कि अभी वेल्थ क्रिएट कर लो उसके बाद आप घूम लेना, लेकिन घूमते घूमते भी वेल्थ क्रिएट होती है, मैंने क्रिएटरों से सीखा है ये चीज़। लेकिन मैं अभी उतना फाइनेंशियल नहीं हुआ हूँ कि घूमते घूमते वेल्थ क्रिएट करूँ, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैं घूमने के लिए वेल्थ कर लूँ, उसके बाद घूमते घूमते वेल्थ क्रिएट करूँगा, और वेल्थ के साथ साथ घूमने में हेल्थ भी क्रिएट होती है, और ये मैं जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्रिएटरों को देखा है कि भाई अपनी सेविंग्स लगा रहे हैं वो घूमने में, जितना वो पैसा सेव करते हैं सब घूमने में लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज कि अच्छा पीस मतलब माइंड हो सके फाइनेंशियल, मतलब वीडियो बना के डालते हैं तो भाई देखो पैसे आते हैं मोनेटाइजेशन में। हाँ ये कहूँगा कि हर कोई नहीं सक्सेस हो पाता है, जैसे मैं 5 साल से 4 साल से लगा हुआ वीडियो बनाने में, बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए, और नहीं मिलने का कारण भी है रेगुलर नहीं रहा हूँ वीडियो के कंडीशन में, तो इसी वजह से मुझे ना मिलने का कोई वो इतना रिग्रेट नहीं है कि भाई नहीं मिला, बट कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अब हमने स्टार्ट किया दोबारा से 2023 में तो इसको कंटिन्यू करते रहें। वैसे मैं ये हर साल बोलता हूँ और फिर मैं छोड़ देता हूँ कुछ रीज़नों की वजह से, बाकी इस बार नहीं, इस बार मैंने सोच रखा है भाई कैसे भी डालूँ कुछ भी करूँ वीडियो बना के तो डालनी ही डालनी।
लोग को क्या लगता है आपके साथ जो बीतता है वो ऐसे ही है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, या काफ़ी सारे बंदे हैं जो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं कि भाई ये जो तेरे साथ हो रहा है वो तू इकलौता नहीं है, मैं भी हूँ उस कैटेगरी में। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो यार, आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मत करो, बट शेयर ज़रूर करो मेरी वीडियो, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है ना, ऑडियंस तक पहुँचता है, ऑडियंस देखती है। मुझे सब्सक्राइबर मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट व्यूज़ आना चाहिए। व्यूज़ आने से क्या होता है कि आपकी वीडियो में लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई ये समझ लो कि मेरा 98% वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते लोग, मतलब 2% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को। वीडियो कहता है, आप लोग क्या कहते हो वो आप लोग बताओ, क्योंकि भाई जिस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं और आगे जाना चाहिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।